हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों सामने है ई विस्वा कंपनी का स्विंगर मॉडल। स्विंगर मॉडल एक लो स्पीड व्हीकल है दोस्तों, ये लो स्पीड स्कूटर है। इसके डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 110 से लेकर 120 किलोमीटर पर चार्ज पर आपको ये रन दे देता है सिंगल चार्ज में। और इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करूँ तो मैक्सिमम स्पीड आपको इसमें 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल जाती है दोस्तों। और इसमें अगर बैटरी की बात करूँ तो बैटरी आपको इसमें 36 एम्पियर की और 48 वॉल्ट की आपको इसमें बैटरी मिलती है, जो कि 2 से 3 घंटे लेती है फुल चार्ज होने में। और मोटर की बात करूँ तो इसमें मोटर आपको 250 वाट की मोटर मिल जाती है, जो कि लो स्पीड व्हीकल्स के साथ मैक्सिमम इतनी आती है दोस्तों। और ये जो सारी जानकारी है ये आपको इस ई विश्वा कंपनी की ऑफिशियल साइट पर नहीं मिलेगी। ये आपको जो भी जानकारी है और मुझे जो जानकारी मिली है ये मुझे जानकारी डीलर्स के थ्रू ही मिली है दोस्तों। बाकी बात करते हैं इसमें वारंटी की, तो आपको इसमें कंपनी जो है एज यूजुअल अपने बाकी सारे मॉडल्स के साथ जैसा कि अदर में देती है 5 साल और 70,000 किलोमीटर की आपको इसमें भी वारंटी मिल रही है दोस्तों। बाकी दोस्तों आपको इसकी लुक्स देखकर आपको अपना कुछ टाइम याद आ रहा होगा जब आप LML वेस्पा यूज करते थे, तो सेम लुक्स के साथ ये स्कूटर हमें मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आपको मैं स्कूटर के बारे में थोड़ी डिटेल में बता देता हूँ कि स्कूटर के साथ आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। जैसा कि सबसे पहले तो आप फ्रंट में देख रहे होगे, तो सबसे नोटिस ज़्यादा नोटिस करने वाली जो चीज़ नज़र आ रही होगी आपको आपको इसमें ये कुछ साइड व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको यहाँ से तो प्लास्टिक में मिल जाएंगे बट ये जो रॉड है आपको ये स्टील में मिलती है दोस्तों ये। और इस पर एक प्लेटिंग की हुई है जो कि क्रोम प्लेटेड के साथ आते हैं दोस्तों। ये प्लास्टिक पार्ट भी आपको क्रोम प्लेटेड के साथ ही आते हैं, आप देख रहे हो किस तरह से अच्छी शाइनिंग के साथ आ रहे हैं। और इसके बाद जो ये आपको इसमें ये हेडलाइट के सराउंड आपको जो DRLs नज़र आते हैं ये अलग अलग कलर्स के साथ आते हैं दोस्तों। और ये कुछ इस तरह से इसके कलर्स आते हैं दोस्तों। ये कलर्स कुछ कुछ टाइम बाद चेंज होते रहते हैं, जैसा कि अभी आप नोटिस कर रहे होंगे ये कलर चेंज हो रहे हैं। बाकी ये कुछ इस तरह का टेक्सचर आपको इसमें ये मिल जाता है। और सबसे नीचे आप इसके बाद नीचे आप आते हो तो आपको इसमें ई विश्वा का लोगो मिल जाता है। और इसके सामने आपको ये कुछ इस तरह की एयर क्रॉसिंग वेंट्स मिल जाते हैं। और इंडिकेटर की बात करूँ तो आपको यहाँ पर इंडिकेटर्स और आपको रिफ्लेक्टर्स भी आपको इसी में मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि अच्छी लुक्स के साथ आ रहे हैं और कुछ अच्छा फील करवा रहे हैं आपको लुक्स के मामले में। और थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको जैसा कि अदर स्कूटर्स में भी आपको मिलता है, तो इसमें भी आपको जो बॉडी है आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलेगी दोस्तों। और सामने आपको इसमें कुछ इस तरह से इसका ये डिज़ाइन मिल जाता है, जो कि आपको क्रोम फिनिश के साथ ही आता है दोस्तों। बाकी सामने अगर अलॉय की बात करूँ फ्रंट में, तो कुछ इस तरह के आपको अलॉयस मिल जाते हैं। और डुअल सस्पेंशन आपको मिल जाता है दोस्तों, इसमें हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, ये देखिए कुछ इस तरह से। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो टायर प्रोफाइल आपको इसमें 10 इंच का टायर प्रोफाइल मिल जाता है, जो कि JK कंपनी का टायर आपको इसमें मिलता है। और फ्रंट में आपको इसके डिस्क ब्रेक मिल जाती हैं, जो कि आप इसका सेटअप देख भी रहे हो। बाकी इसके साथ आपको किसी तरह की सिक्योरिटी किट नहीं मिलती है दोस्तों, ये किट आपको एज एसेसरी आपको सेपरेट लेनी पड़ेगी। बाकी चलते हैं इसकी साइड व्यू की तरफ। साइड से आप देखो तो स्कूटर आपको देखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सबसे पहले जो आपको इसमें आपको साइड से अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही होगी लुक्स के मामले में, वो आपको नज़र आ रही होगी ये स्ट्रिप। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी देखने में तो काफ़ी स्टाइलिश लग रही है। कुछ इस तरह से साइड पर आपको इसकी स्विंगर की बैजिंग मिल जाती है, और यहाँ पर भी आपको प्लास्टिक बॉडी ही मिलती है दोस्तों। और नीचे आपको ये कुछ इस तरह का कवर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो है आपको यहाँ पर ये कुछ इस तरह से राइडर के लिए, माफ़ करना दोस्तों, पिलियंस के लिए फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि लो स्पीड व्हीकल्स में तो मिसिंग रहते हैं। मगर मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये आपको मिलेंगे, बट आपको ये मिल रहे हैं। बाकी ब्रेकिंग की बात करूँ तो आपको रियर में ड्रम ब्रेक ही मिल जाती है। और टायर की बात करूँ तो आपको इसमें JK का टायर ही मिलता है दोस्तों, JK का ब्लेज टायर मिलता है, और सेम प्रोफाइल का टायर ही आपको मिलता है दोस्तों, 10 इंच का टायर ही आपको इसमें भी मिलेगा। बाकी सस्पेंशन आप देखो, सस्पेंशन इसमें आपको भी कॉमन ही मिलेंगे जो आपको इसके दूसरे मॉडल के साथ आ रहे थे। बाकी कुछ इस तरह से इसके लुक्स हैं। और इसका जो ग्रैब हैंडल है ये आपको मेटल का ग्रैब हैंडल मिलेगा, ये आप वेल्डिंग देख रहे हो, ग्रे कलर की कलर के साथ ये मिलेगा। बाकी रियर से आप देखो तो रियर से आपको स्कूटर देखने में कुछ इस तरह से नज़र आएगा।
और इंडिकेटर्स के आपको जो इसके मिरर्स मिलेंगे या आपको एक कवर कह लो, तो आपको ये ब्लैक इफेक्ट के साथ आएंगे दोस्तों, मतलब स्मोकी फील आपको देंगे थोड़ा बहुत। और इसके जो टेल लाइट है आपको ये भी हेलोजन बल्ब के सेटअप के साथ ही आती है। बाकी इसके नीचे आपको ये छोटी सी प्लेट नज़र आ जाती है, जो कि यहाँ लाइसेंस प्लेट के लिए जो माउंटिंग्स है उसके लिए आपको यहाँ पे छोटी सी लाइट आ जाती है, मगर इसमें आपको लाइसेंस प्लेट तो मिलेगी नहीं। बाकी ये रिफ्लेक्टर है और ये आपको मैट फिनिश का आपको मडगार्ड मिल जाता है। बाकी साइड से दूसरी साइड में आप देखो तो आपको बाकी स्कूटर्स के अकॉर्डिंग एक इसमें जैसा बाकी स्कूटर में मिल जाता है, इसमें भी आपको एक की प्लेसिंग मिल जाती है जो कि बूट स्पेस ओपन करने के लिए दी जाती है। और साइड से आपको इसमें जो स्टैंड नज़र आ रहा है कुछ ऐसा आपको इसमें साइड स्टैंड मिलेगा। बाकी बात करें तो साइड प्रोफाइल भी इसकी एज कॉमन ही है दूसरी साइड से। सबसे पहले तो की बात करूँ तो कुछ ऐसी आपको इसमें की मिल जाती है, और ये आपको इसके साथ रिमोट मिल जाते हैं दोस्तों, और ये आपको प्लेस करने के लिए ये जगह मिल जाती है। जब आप की प्लेस करते हो तो कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसमें पी का साइन नज़र आ रहा होगा, तो पी का साइन नज़र आने का मतलब है कि अभी ये स्कूटर जो है रनिंग के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इसे चलाना चाहते हो तो चलाने से पहले आपको जो ये नीचे ग्रीन बटन दिया गया है अगर आप इसे प्रेस करते हो, प्रेस करने के बाद ये आपका रेडी हो जाता है चलने के लिए। बाकी इंडिकेटर अगर आप चलाते हो तो कुछ इस तरह से ये ब्लिंक करते रहेगा, दूसरा चलाते हो तो उधर इधर इधर इस साइड ब्लिंक करेगा, और यहाँ पर इसकी बैटरी की कैपेसिटी आपको मेंशन कर दी जाएगी दोस्तों। बाकी इसका साइड स्टैंड ऑन है तो आप देखो ये जो आपको लाइट है ये साइड स्टैंड की ही आ रही है। अभी मैं इसको साइड स्टैंड को हटा देता हूँ। साइड स्टैंड हटाने के बाद ये लाइट जो है गायब हो जाती है दोस्तों। मतलब जो भी कहो आपको ये लुक वाइज स्कूटर आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे लुक्स में वाइज देखते हो। और बाकी 5 साल की वारंटी के साथ मुझे नहीं लगता ये डील आपके लिए कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकती है दोस्तों। प्राइसिंग आपको भले ही इसकी ज़्यादा लग रही हो मगर 5 साल की वारंटी के हिसाब से ये स्कूटर आपके लिए ठीक रहे। तो भाई बात करते हैं अभी इसके कंट्रोल्स की। तो कंट्रोल्स आप देखोगे तो कुछ इस तरह से इसके आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं इस तरफ, और ये DRLs के कंट्रोल्स हैं, और ये है इसके हेडलाइट्स ऑन हो जाती है यहाँ पे। बाकी ये जो स्पीड वाला बटन है इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ अभी क्या है इसका फंक्शन है, चलो इसके बारे में अभी अगर मुझे पता लगा तो आपको मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। बाकी ये इसका हॉर्न का आपको प्लेसिंग यहाँ भी मिल जाती है और यहाँ पर भी मिल जाती है, काफ़ी हैवी हॉर्न मिल जाता है आपको इसमें। और यहाँ जो आप रेड बटन देख रहे हो दोस्तों ये इसके मोड्स का बटन है दोस्तों। ये अभी ये आप देखोगे अभी ये जो आपका स्कूटर है अभी ये दूसरे मोड में चल रहा है, सेकंड में आप इसे बटन को प्रेस करते हो तो ये तीसरे मोड में चल रहा है, अभी ये पहले मोड में चला। बाकी आपको इसमें ये मोड्स के मोड का आपको स्विच मिल जाएगा, और ये आपको पार्किंग का स्विच मिलेगा दोस्तों। जब आप जैसे पार्किंग मोड से अगर आपको ड्राइव मोड पर करना है तो आप ये वाला स्विच जो है दबाकर इसे पार्किंग मोड से ड्राइव मोड में चला सकते हो। और इस तरफ आपको इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपको हेडलाइट के हाई बीम और लो बीम के बटन मिल जाते हैं दोस्तों। बाकी ये जो बटन है आपको ये हजार्ड लैंप का बटन मिल जाता है जिसमें आपके ये चारों इंडिकेटर्स जो हैं स्कूटर के चलने लग जाते हैं। रिवर्स लैंप रिवर्स गियर भी आपको इसमें मिल रहा है, रिवर्स आपको इसमें दबा कर रखना पड़ेगा दोस्तों, तब आप इसे रिवर्स के साथ एनेबल कर सकते हो। अगर आप रिवर्स के बटन का दबाते हो उसके बाद आप इसे लगातार रिवर्स कर सकते हो। बाकी उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो आप इसके नीचे आप देखो आपको यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, स्पेस खोलने के लिए एक यहाँ पर आप इसे ऐसे अनलॉक करोगे कुछ ऐसा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है दोस्तों। ये देखो कुछ इस तरह से ऐसा बड़ा स्पेस है जिसमें आप अच्छे खासा आपका अच्छा छोटा छोटा जो आइटम्स हैं वो आप कैरी कर सकते हो, बाकी इस जगह आप कुछ नहीं रख सकते, और ये इस तरह से लॉक हो जाता है। बाकी यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए एक सॉकेट मिल जाती है, और बाकी इसके बाद ये कुछ इस तरह का आपको फ्लोर मिल जाता है। फ्लोर के साथ अगर आप इसकी स्पेसिंग देखो तो जैसे मैं इसमें बैठा हूँ तो मुझे इसमें अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है दोस्तों, अच्छा खासा नी रूम मिल रहा है और बहुत अच्छी स्पेस मिल रही है। बाकी इसकी हाइट की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा ऊंची हाइट नहीं है इसकी। अब बात करते हैं इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस के लिए आपको यहाँ पर की लगाकर ही इसे मैनुअली ओपन करना पड़ेगा। बूट स्पेस ओपन करते हो तो कुछ ऐसा आपको इसमें बूट स्पेस मिलता है दोस्तों। बूट स्पेस के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसमें एक हेलमेट कैरी कर सकते हो, बड़े वाला हेलमेट तो आप बिल्कुल ही नहीं कैरी कर सकते, हाँ अगर छोटा हेलमेट सबसे छोटा वाला जो हेलमेट रहेगा वो आप इसमें ज़रूर कैरी कर सकते हो, जो खासकर लड़कियों वाला जिसे हम कहते हैं छोटा हेलमेट होता है
हाइट में छोटा जो होता है वो हम इसमें कैरी कर सकते हैं, वो भी चेक करना पड़ेगा। बाकी इसकी एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो मैं आपको क्या बता देता हूँ, ये देखो आप इसकी जो सीट है ना ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी लगी है, जैसा कि ये बहुत ज़्यादा ढीली नहीं है और इसकी यहाँ से जो क्लैंपिंग है ये अच्छी करी गई है। और बैटरी की प्लेसिंग की बात करूँ तो बैटरी आपको इसके नीचे मिल जाती है, तो कुछ ऐसे इसका कवर ओपन होगा और यहाँ पर इसकी बैटरी मिल जाती है। और बैटरी आपको अच्छी खासी माउंटिंग्स के साथ मिलती है दोस्तों, ये आपको इसकी जो स्ट्रिप है ये माउंटिंग के साथ आती है, मतलब आप इसे एज ये है तो डिटैचेबल, डिटैचेबल आप इसे ना यूज़ करो, बाकी बंद करने के लिए सेम आपको ऐसे ही इसे बंद करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे बंद करके यहाँ इसे प्रेस करके बंद हो जाएगा। या कॉमन आपको यहाँ पर एक MCB स्विच मिल जाता है जो कि एज ए सेफ्टी स्विच है। तो दोस्तों ये था हमारा ई विस्वा कंपनी का स्विंगर मॉडल जो कि 93,512 की प्राइसिंग के साथ आता है। आपको प्राइसिंग तो ज़्यादा लग रही होगी दोस्तों, मगर लुक फीचर और इसकी वारंटी के हिसाब से ये मुझे नहीं लगता आपके लिए ये गलत डील साबित होगी। बाकी कोई भी कंपनी है आप अपना विजिट करके आप खुद से क्वायरी करके आप भी इस पर क्वायरी करके लेके जा सकते हो। कोई भी कंपनी है दोस्तों उसे थोड़ा सा वक्त चाहिए रहता है और कस्टमर का कोऑपरेशन चाहिए रहता है, वो आपका वो चाहती है ताकि आपका विश्वास कंपनी पर बने और कंपनी आपके लिए अपनी सर्विस को और अपने प्रोडक्ट्स को फ्यूचर के लिए अच्छा कर सके। इवन मुझे इसमें कंपनी ने या डीलर्स ने किसी तरह का कोई लालच नहीं दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने के लिए मुझे करेज मिलता रहे, आपसे हिम्मत मिलती रहे, ताकि मैं और मेहनत करके आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियोस और ऐसे ऐसे स्कूटर्स के रिव्यूज़ आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय।